हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:53। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल हेलो नमस्ते, केम छो, स्वागत है आपका धर्मेश पी व्लॉग में। सो आज तो हम जाने वाले हैं सब्जी मंडी। सो देखिए, इतनी सब्जी ले जाने वाला हूँ आज सब्जी मंडी, और मैं जाऊंगा आज तो, बहुत दिनों बाद जाने वाला हूँ। ये पपीते का पॉलीथीन बैग है, और ये ग्वार का है, और सारा ये प्याज है, और फिर वहां पर ग्वार है। सो इतने पॉलीथीन बैग ले जाने वाला हूँ, और ये एक छोटा सा ग्वार का बैग है। ये सारा सामान एक बोरी में भरेंगे और फिर बाइक पे लोड करके ले जाएंगे। सो देखिए, सारा सामान इसमें लोड कर दिया है, दो बोरी में लग गया है। आज तो बहुत ही ज्यादा है सब्जी। सो चलो अभी सीधा सब्जी मंडी ले जाता हूँ आपको। सो आज दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, हमारा रास्ता तो बहुत खराब हो चुका है। शिव जी के टेम्पल आता है उस वाले रोड से जा रहा हूँ घूम के पूरा, वो भी वापस जाऊंगा तब आपको पूरा दिखाता चलूंगा, अभी तो बहुत लेट हो जाएगा। सो पहुंच गया हूँ सब्जी मंडी, और देखिए दो बोरे वहां पर लगा दिए लाइन पे, मैं सबसे पीछे हूँ। सो बोरे में से सब्जी निकाल के यहाँ पर पूरी अच्छे से लगा दी है, अभी सबसे पीछे मैं हूँ। सो सबसे पीछे मेरी बारी आई, अभी बोली स्टार्ट होगी तब दिखाऊंगा। यहाँ से एक ही रो है सीधी, वरना बहुत बार तो मैं आया तब तो दो तीन रो होती है, आज बहुत ही कम सब्जी आई हुई है। और देखिए वहाँ पर अभी बोली लगना स्टार्ट हो चुका है, अभी मैं दलाल को भी दिखा दूंगा मैं आपको, कौन है दलाल, वो आगे आगे देखते रहना। सो यहाँ पर फार्मर्स भी खड़े हुए हैं, वो भी बोली लगा सकते हैं, व्यापारी तो चार पाँच ही है, बाकी सब फार्मर्स ही यहाँ पर खड़े हुए है, वो सब भी बोली लगा सकते है उसे जो भी सब्जी लेनी हो। सो गुजराती में बोल रहे हैं सब, जिसे गुजराती आती होगी वो तो सब समझ जाएंगे, लेकिन जिसे गुजराती समझ में नहीं आती उसे पता नहीं चलेगा। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, बोली लगाते हैं जो भी सब्जी होती है जिसकी भी, सो उसकी फार्मर्स लगा सकते हैं और व्यापारी, सो वो सभी लगाते हैं बोली, 10 रुपये 30 40 ऐसे बढ़ता जाता है, जो भी 3 बार फाइनल हो जाता है 3 बार में, सो वो उसका। सो यहाँ पर देखिए बिक गई है वो वाली सब्जी, रखी हुई है एक दो जगह पर, और सब्जी की बोली अभी स्टार्ट ही है, देखिए सभी लोग बोली लगा रहे हैं। 60 रुपया। इस तरीके की होती है हमारे गांव की सब्जी मंडी, देखिए इस तरीके से बोली लगाते हैं और ऐसा कुछ होता है। अभी हमारे सब्जी वाली सब्जी की भी होने वाली है बिक्री, वो भी दिखाता हूँ पूरा आपको। बहु रुपया बापू
95 લખે 3 95 લખે 2 95 લખે 2 3 3 હો રૂપિયા નંદા ભાઈ બે ના દોઢો બેલ દોઢો રૂપિયા ચકો દોઢો ચકો એકાવન બાવન ત્રેપન ચોપન પંચાવન છપ્પન સત્તાવન અઠાવન ઓગણસાઠ સાઠ એકસઠ બાસઠ ત્રેસઠ ચોસઠ પાસઠ છાસઠ સડસઠ અણસઠ અણસઠ રૂપિયા ચકો એકતાલીસ રૂપિયા અર્જુનભાઈ तो देखिए हमारी सब्जी बिक गई है और ये रहे दलाल, उसका नाम अशोक है। सो सभी की सब्जियों की बिक्री हो गई है, अभी देखिए यहाँ पर दलाल बैठे हुए हैं। सो वो सभी का भी हिसाब किताब करेंगे और फिर सभी को पैसे जिसको जितने हैं वो दे देंगे। सो इस तरीके की होती है हमारे गांव की सब्जी मंडी और सिर्फ यहाँ पर हमारे गाँव के लोग ही आ सकते हैं, दूसरे गाँव के लोग नहीं आते हैं यहाँ पर। और इसमें हमें सब पैसे मिलते हैं, उसमें से थोड़े बहुत पैसे दलाल को मिलते हैं और फिर गौशाला में भी देते हैं थोड़े पैसे। सो घर की ओर वापस निकल चुके हैं सब्जी मंडी से। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से आया था वो बताता हूँ अभी पूरा। चलो आगे आगे देखते हैं। सो यहाँ से मेरे पापा चल के जा रहे थे बाजार में, तो उसे वापस छोड़ने के लिए गया था क्योंकि बाइक तो इसमें अच्छे से निकलती नहीं है, इसलिए पापा ने सोचा चल के ही चलता, तो वॉकिंग भी हो जाए, इसलिए वो चल के आ रहे थे। तो उसे फिर मैं छोड़ने गया था बाजार को। तो देखिए ये वाला रास्ता हमारा है और यहाँ से सीधा देखिए, अभी इस वाले रोड पे सीधा चलता रहूंगा और फुलेश्वर महादेव का टेम्पल है उससे आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए फुलेश्वर महादेव का टेम्पल है ये वाला, और यहाँ से अभी सीधा जा रहा हूँ मैं। सो देखिए ये सीधा रोड जा रहा है, यहाँ से देखिए सीधा, फिर ये देखिए बाइक हमारी, और यहाँ पर रास्ता है, वो रास्ता सीधा आगे जाऊंगा बहुत आगे, फिर ऐसे घूम के इस तरफ जाऊंगा, फिर हमारा रास्ता आएगा और फिर इस तरफ। वैसे आपको बोर हो जाओगे, चलो आगे आगे दिखाता चलता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये मेरी मासी का घर है, वहाँ पर जाएंगे कभी फुर्सत से, अभी तो देर हो रही है इसलिए जल्दी से चलते है। सो थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर तो रास्ता रोक दिया है बोलेरो ने, क्योंकि बफेलो उसमें भर रहे हैं। सो थोड़ी देर वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ट्रैफिक क्लियर हो गई है, अब भी जाके देखिए बहुत सारी बाइक हो गई थी आगे, तीन चार बाइक थी और मैं खड़ा था वहाँ पर, तीन चार बाइक थी। तो ऐसे रास्ते में भी ट्रैफिक हो जाती है कभी कभार। तो देखिए यहाँ से सीधा अभी जा रहा हूँ। सो देखिए यहाँ से सीधा रास्ता है अभी टेढ़ा मेढ़ा, फिर वहाँ से घूम के जाने वाला हूँ हमारे रास्ते पर। यहाँ पर हमारा घर है, ये देखिए ये हमारा घर है ये वाला, ठीक है। सो वो हमारा घर है और यहाँ पर मैं रास्ते में हूँ। सो वहाँ से पूरा घूम के फिर वहाँ जाएंगे अभी हम, चलो वो भी आपको आगे दिखाता हूँ, वरना बोर हो जाओगे ऐसे ऐसे बताता रहूँगा तो। सो देखिए ये सीधा रास्ता जा रहा है, अभी यहाँ से मुड़ जाएंगे हम और फिर टेढ़े मेढ़े होके वो वाले हमारे घर के सामने वाला रास्ता है वहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए इतना इतना ग्रास है, उसके बीच में से जाने वाला हूँ, फिर भी हमारे रास्ते से ये बहुत ही अच्छा है। सो देखिए यहाँ पर थोड़ा पेच खराब है वहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना पेच बहुत खराब है। सो चलो ये पार कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये देखिए अभी इस तरफ जा रहा हूँ फिर इस तरफ, देखिए मुड़ा और ग्रास देखिए कितना है, ये पगडंडी जैसा है लेकिन हमारे रास्ते से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। देखो बहुत ही अच्छे से ग्रास में से निकल सकती है ये।
सो देखिए अभी आ गए हैं हमारे रास्ते में सीधा, यहाँ से यहाँ से सीधे चलते जाएंगे सो हमारा घर आ जाएगा। सो देखिए ऐसा कुछ है, पूरा घूम के आना पड़ता है यहाँ से। देखिए ये दिख रहा होगा घर हमारा। सो इस तरीके से घूम घूम के आया हूँ। वैसे हमारे रास्ते से तो बहुत ही अच्छा था ये वाला रास्ता। सो घूमते फिरते घर पे पहुंच गया हूँ अभी। सो देखिए अभी गुआर तो बहुत पसंद ही नहीं था, गुआर खा के बोर हो गए से। सो देखिए सब्जी मंडी से टमाटर ले आया, अल्टा पलटी हो गई। सो ऐसी होती है हमारे गांव की सब्जी मंडी, छोटी सी। वैसे अच्छे से तो आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा नहीं बना पाया हूँ, टेढ़ा मेढ़ा आया है। सो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो ग्वार था, प्याज थी और पपीते थे। सो वो तीनों का मिला के 1000 रुपए मिले थे। सो 1000 में से दलाल का के पैसे कटते हैं और थोड़े बहुत गौशाला के कटते हैं। जो सब्जी मंडी जो लगी हुई थी वो गौशाला में ही थी, छोटे से गौशाला थी सांडों की। सो 1000 रुपए में से 30 रुपए कटे थे दलाल और गौशाला के। सो 970 रुपए मिले थे टोटल। सो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।